फ्रेंड्स हम स्टडी करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस ये क्या होती है, ठीक है। तो क्वासी मीन्स होता है, देखिए क्वासी मीन्स होता है आपका ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट। और स्टैटिक मीन्स होता है रेस्ट, जो प्रोसेस ऑलमोस्ट रेस्ट में होती है, मतलब पूरी तरह तो रेस्ट नहीं कहते हैं, पूरी तरह अगर रेस्ट होगी तो प्रोसेस कैसे होगी, इसलिए ये प्रोसेस ऑलमोस्ट रेस्ट होती है, इसीलिए इसका नाम क्वासी स्टैटिक रखा गया है, ठीक है। मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, और ये पिस्टन है, यहां पे दो स्टेप लगे हुए हैं जो पिस्टन को इसके ऊपर आने नहीं देते, ठीक है, इससे ऊपर, ठीक है। और यहां गैस है, ठीक। तो जब यहां पे हम इसको पिस्टन है ये, यहां पे जब हम हीट देते हैं तो गैस तो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। तो अगर हम पिस्टन की स्ट्रिप को हटा देते हैं तो पिस्टन डायरेक्ट ऊपर चली जाएगी, ठीक है। और अगर हम नहीं हटाते हैं इसे, तो इसको ग्राफ में देखते हैं, ये आपको पी प्रोसेस ए टू बी हो रही है, तो यहाँ पे आपका पी ए हो गया और यहाँ पी बी। तो प्रेस जब प्रोसेस होगी तो प्रेशर डिक्रीज करेगा पी ए टू पी बी, और वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा वी ए टू वी बी। तो इसमें देखेंगे कि जब हम इसको, अगर ये प्रोसेस होती है तो इसके एक स्ट्रिप को हटा देते हैं तो ये यहां से यहां होगी, प्रोसेस यहां से यहां तक जाएगी। इसी तरह करके हम धीरे धीरे करके इस सारे स्ट्रिप को हटा देते हैं, धीरे धीरे करके स्ट्रिप को हटाते हैं तो हमारा प्रोसेस लगभग का लगभग इक्विलिब्रियम में होगा। अगर हम पूरी तरह हटा देते तो ये इरिवर्सिबल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको धीरे धीरे करके हटाते हैं तो ये हमारा प्रोसेस लगभग इक्विलिब्रियम में होगा और बहुत ही मतलब स्लो होगा प्रोसेस, इसीलिए इसको क्वासी इक्विलिब्रियम भी बोला जाता है। यहां लिख सकते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस, इसी वजह से इसको क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहां देख रहे हैं कि मतलब प्रोसेस हमारा बहुत ही स्लो है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे इक्विलिब्रियम इसे हम कहते हैं, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। ये तो इसको लिखते हैं, ये प्रोसेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये प्रोसेस विच इज कैरिड आउट, ये प्रोसेस विच इज कैरिड आउट विथ अ स्मॉल ग्रेडियंट, तो स्मॉल ग्रेडियंट इसको डिफरेंस बोलते हैं, स्मॉल ग्रेडियंट इज कॉल्ड क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है, इसको नोट लिख सकते हैं, इसको मिटाते हैं हम, नोट में लिख सकते हैं
फ्रिक्शनलेस क्वासिस्टेटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, फ्रिक्शन लेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। ये प्रोसेस लगभग बहुत स्लो होने का कारण लगभग मतलब रिवर्सिबल होती है, तो इसे रिवर्सिबल मतलब ये रिवर्सिबल प्रोसेस के भी नाम से जानते प्रोसेस। तो बस आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।